इसका लाइक साउंड एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। हमारा मेट्रो में ट्रैवल होना था, यहाँ पर भी खड़े हो सकते हैं, यहाँ पर भी पकड़ के खड़े हो सकते हैं, और वो एक्चुअल में सोचेंगे यार थोड़ी सी जलन फील हो रही है। सो ये देखो बैक साइड से, ये है कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन, IIT मेट्रो स्टेशन उस साइड में है, ये है कल्याणपुर। हम डायरेक्ट यहीं पर ऑटो पकड़ कर आ गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो अभी हम हैं कानपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे, मतलब लास्ट ब्लॉग आपने जयपुर मेट्रो का देखा होगा, अभी हम कानपुर मेट्रो का स्टेशन कानपुर में है, कानपुर मेट्रो कैप्चर करने वाले हैं सेकेंड टाइम, क्योंकि यही वो स्टेशन है, मतलब यही वो जगह है जहाँ से मेरी पहली वीडियो वायरल गई थी। मैं वैसे बहुत वैसा हूँ, मैं पैदल चलता नहीं हूँ ज़्यादा, ठीक है, नहीं मुझे चलना पड़ता है, तो इसलिए हम इस पर जाएंगे। मुझे भागना बहुत पड़ता है, चलना बहुत पड़ता है, इसलिए जहाँ ये मिलेगी वहाँ हम इसी तरह चलेंगे। ये देखो लाइक हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, क्या अमेजिंग सा लग रहा है ना, और ऊपर कोई नहीं है, और हम इंटीरियर दिखाएंगे आपको। लोग सीधा नहीं आ पाते, इससे हम थोड़ा बहुत उल्टा चलते हैं, तो ये है उस अकॉर्डिंग। तो मैं भी शायद वीडियो बनाना मना होगा, आई डोंट नो, वैसे ऐसा होता नहीं, बट जहाँ तक होगा वहाँ तक हम देखेंगे बनाएंगे, ठीक है। ओ कितने सारे लोग हैं, ओ माय गॉड, भीड़ देख रहे हो, लाइनें लगी पड़ी हैं यार यहाँ पे। ओहो 15 रुपये दे दो 15, ये लो। ये है हमारी टिकट, ये यहाँ पर अभी भी चल रहा है, ठीक है, थोड़ा महंगा वाला चल रहा है यार। तो यहाँ पे ये अभी भी चल रहा है, टोकन स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब ये स्लिप चल रही है, इसको स्कैन करो, ठीक है ना, खुल जाएगी, और जब बाहर जाना होगा तो भी स्कैन करो तो भी बाहर जा सकते हो। वो गोल वाला टोकन होता है ना, वो नहीं चल रहा, तो अभी ऊपर चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो हमें इधर जाना है, मतलब हमें उधर जाना है, तो हमें इधर से जाना पड़ेगा, तो ऊपर चलते हैं, ऊपर का इंटीरियर दिखाते हैं, ठीक है। और आई नो कि आप लोगों ने ये ब्लॉग मतलब कानपुर मेट्रो देख ही रखा होगा, सारा प्रोसेस आपको पता होगा, मेरा एक्सप्लेन करने का मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये सारी चीज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा तो ब्लॉग बनाने का काम है, तो मैं उस अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। ये मेरा इस प्लेस का सेकंड ब्लॉग है, सेकंड टाइम मतलब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, फर्स्ट में आया था 1 जनवरी को, देन मेरी 2 वीडियो यहाँ से वायरल गई थी, और ऊपर बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, और ऊपर भीड़ देखो, मेट्रो आ गई है, भीड़ देख रहे हो, ओह माय गॉड। ये तो जयपुर वाले से भी मतलब कम है, जयपुर में तो फिर भी बहुत थे, बट यहाँ पे तो है ही नहीं। ये देखो है, दूसरा मैंने बोला था ना कि जयपुर में जो मेट्रो में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो वायर के थ्रू होती है, बट कानपुर में ये देखो इसकी ट्रेन की पटरी के थ्रू होती है। यहाँ देखो पीली रेखा से दूर खड़े रहें, और वहाँ पे देखो खतरा 750 वोल्ट DC उच्च वोल्टेज। मैं बोला था ना कि यहाँ पर कानपुर में अलग प्रोसेस चलता है, मुझे याद था ये चीज़, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो ज़मीन से होती है, बट जयपुर में ऊपर से होती है, आपको बताया था मैंने। गई यार ये गई, ये देखो, होए होए होए, कितना मतलब क्लीन देखो यार, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लाइटिंग है, बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जयपुर मुझे याद है क्योंकि ऊपर अंधेरा रहता है, बट यहाँ पर अंधेरा नहीं रहता है, यहाँ पर रोशनी ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक तो ये ओपन एरिया है, ठीक है, उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा वैसे वाले मतलब वाइट वाली चीज़ें यूज़ की हैं, जिसकी वजह से जो लाइट होती है ना वो रिफ्लेक्ट होती है। नहीं पता आप लोग ये देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, अगर आप लोग कानपुर से हो तो आप ज़रूर देखना ये वीडियो और मेरी जयपुर वाला मेट्रो ब्लॉग, ठीक है ना, दोनों में कंपेयर कर लेना क्या डिफरेंस है जयपुर में और कानपुर में, और नेक्स्ट टाइम जब दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली का भी शूट करेंगे, ठीक है ना। आ गई हमारी मेट्रो, तो बैठते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। अंदर एक्सपीरियंस बताते हैं आपको कैसा है। ओहो अंदर बहुत सारे लोग हैं, ये उर्दू में लिखा है क्या, लुक एट दिस, हाँ ये चेंज हो गया, अभी उर्दू में था शायद, कल्याणपुर हिंदी में हो गया, ठीक है ना, अभी शायद उर्दू में भी होगा, मैंने देखा, हाँ हो गया,
मेट्रो में कोई नहीं है, मतलब बहुत कम लोग हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम जयपुर में मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, देन ऐसे लोग थे, देन ऐसे ही सीन था। और अभी कानपुर में ऐसा सीन है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कानपुर की मेट्रो इतनी ज़्यादा खाली हो सकती है, बट अब क्या कर सकते हैं। मैं बाहर का शूट करके दिखाता हूँ। ये है अंदर का कुछ, उस टाइम तो शूट नहीं कर पाए थे ये, बट अब की बार हम बैठ के शूट कर रहे हैं। उस टाइम तो हम खड़े खड़े शूट करके निकल गए थे। SPM अस्पताल, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। हो मतलब मज़ेदार है, कुछ भी कहो मुझे अच्छा लग रहा है। उस साइड में एक और मेट्रो खड़ी है, गेट बंद हो चुके हैं। लाइक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अभी थोड़ी देर खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। हो हिप हिप फुर रे, वैसे अंदर का इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, लाइक एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा इंटीरियर है, क्योंकि यहाँ पर दो वे में खड़े हो सकते हैं। ये जो आप ऑरेंज कलर के देख रहे हो ना, यहाँ पर भी खड़े हो सकते हैं, यहाँ पर भी पकड़ के खड़े हो सकते हैं, और ये बहुत कम गैप में है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसमें आ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं पकड़ के। और सीटिंग की भी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी रख रखी है, एसी फुल एसी चल रही है, फुल एसी चल रही है। अब जो दिल्ली में रहते हो ना, वो एक्चुअल में सोचेंगे यार थोड़ी सी जलन फील हो रही है, हमें भी मतलब मेट्रो में ट्रैवल करना है कानपुर की तरह। तो अभी नीचे उतरते हैं, बस हो गया जो होना था, अभी हम बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये था हमारा एक्सपीरियंस, मेट्रो बहुत खाली है, आगे जाने का कोई रीज़न नहीं है, पहले बाहर उतरते हैं फिर मिलते हैं। अभी हम आ चुके हैं बाहर, लाइक निकास एग्जिट। तो अभी हमारी 2 मिनट में मेट्रो जाने वाली है, तो उसको कैप्चर करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। उसको कैप्चर करते हैं। मेट्रो चली गई है, लाइक हम नीचे उतरते हैं अब। मेट्रो हमारी चली जा चुकी है, आपने देखी मेट्रो कैसी है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, लिटरली किराया बहुत महंगा है, एक्चुअल में बहुत महंगा है, क्योंकि जयपुर में जो अगर मैं जयपुर रेलवे स्टेशन से टिकट लेता हूँ, ठीक है, टिकट लेता हूँ हवा महल के लिए, तो ऑलमोस्ट बीच में 4-5 स्टेशन आते हैं और 12 रुपये टिकट है। मतलब जयपुर में रेलवे स्टेशन से हवा महल जाने के लिए 12 रुपये टिकट है, सिर्फ 12 रुपये, और बीच में आते हैं 4-5 रेलवे स्टेशन। और अगर आपको पास में जो बस स्टैंड है वहाँ जाओगे तो 6 रुपये लगेंगे, और बट यहाँ पर किराया बहुत ज़्यादा है। पहला स्टेशन 10 रुपये है, उसका अगला स्टेशन 10 रुपये, फिर उसके अगला 15, फिर उसके अगला 15, फिर 20, 20, 20, फिर 30, इस अकॉर्डिंग है, तो बहुत महंगा है। और जबकि ये अभी मेट्रो सिर्फ मोती झील तक बनी है, मतलब IIT से मोती झील के लिए है। जब ये मेट्रो सेंट्रल तक बनेगी तब कितना किराया होगा भाई, तब तो मतलब और ज़्यादा हो सकता है सेंट्रल तक। या इनको मैक्सिमम 30 करना चाहिए, मिनिमम 10 करना चाहिए, या फिर मिनिमम 6 रुपये करना चाहिए, जो जयपुर में चलता है उस अकॉर्डिंग। बट मेट्रो में एक्सपीरियंस ऐसा था कि लाइक कोई था ही नहीं, मतलब ज़्यादा लोग थे ही नहीं। यहाँ से सीधा हम चलते हैं, ठीक है, मतलब हो गया जितना हमारा मेट्रो में ट्रैवल होना था। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं आपको टिकट दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर अभी भी चलती है, मतलब अभी कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, हो जाने चाहिए थे बट अभी नहीं हुए हैं, तो आई होप आगे होने वाले हैं। तो अब यहाँ से बाहर चलते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया यही टिकट लेके वापस बैठ जाओ, नहीं मैं अकेला था वहाँ पर ऊपर, तो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैं इधर से उधर चला गया ना तो वो कहेंगे टिकट दिखाओ, तो मैं पकड़ा जाऊँगा, इसलिए ये हरकत है यहाँ नहीं अपनानी है, यहाँ से सीधा बाहर निकलना है। स्कैन करो और बाहर निकलो। ये है इंटीरियर,
यहाँ पे व्यू देखो यार, कितना सुंदर आ रहा है। इस साइड में ट्रेन की पटरी है, ये मेट्रो का रास्ता नीचे जाने का, और ये रास्ता गई है आगे जाने के लिए, कन्नौज दिल्ली जाने के लिए। यहाँ पे भी अनाउंसमेंट हो रहा है, बहुत बड़ी बात है यार। और मुझे एक्चुअल में बहुत अच्छा लगा, कानपुर में किसी ने बोला था इंटीरियर बहुत अच्छा है कानपुर का, बट जयपुर का इतना अच्छा नहीं है, मेंटेनेंस नहीं रखते, बट यहाँ पर देखा आके एक्चुअल में यार। हाँ, जिसने भी मुझे कमेंट किया था कि कानपुर का मेंटेनेंस बहुत अच्छी तरह से होता है, इंटीरियर बहुत अच्छा है, एक्चुअल में मैंने देखा बहुत अच्छा है। तो चलते हैं, ठीक है।